X9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम जनहित में आपका स्वागत है। भारत सरकार द्वारा देश के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को कई प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिससे कि देश का कोई भी नागरिक अपनी आर्थिक स्थिति के कमजोर होने के कारण उपचार से वंचित ना रहे। इसी के तहत सरकार ने देश में एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया जिससे कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार को मदद मिल सके। आपको बता दें कि 25 सितंबर 2018 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। आज हम आपको अपने इस रिपोर्ट के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, जिससे कि आप भी इस योजना का लाभ उठा सके बिना किसी दिक्कत से। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस योजना से आप क्या लाभ उठा सकते हैं और किस तरीके से इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस खास कार्यक्रम को देखिए। आयुष्मान भारत योजना, फ्री में 5 लाख रुपए तक का इलाज। आयुष्मान भारत योजना का बढ़ाया जाएगा दायरा। आयुष्मान भारत योजना का लाभ कैसे उठाए। आयुष्मान भारत योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कैसे करें। किन दस्तावेजों की होती है जरूरत। हमारे देश के गरीब परिवारों में किसी को बड़ी बीमारी होने पर आर्थिक तंगी होने के कारण अस्पतालों में इलाज नहीं कर पाते और इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं। उन लोगों के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की। इस योजना के जरिए 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा की सहायता प्रदान करना, जिससे उन्हें अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल सके और गरीब परिवारों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करना और बीमारी के चलते मृत्यु दर को कम करना। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाता है। आपको बता दें कि योजना के सभी लाभार्थियों को इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। ये योजना देश के नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में कारगर साबित होगी। इस योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत देश के 40 करोड़ से अधिक नागरिकों को कवर किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के संचालन से अब देश का कोई भी नागरिक आर्थिक तंगी होने के कारण अपना उपचार कराने से वंचित नहीं रहेगा। तो वहीं इसके अलावा इस योजना के संचालन से देश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा इस योजना को अन्य सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की संभावनाओं पर विचार भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हेल्थ केयर का बजट बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस योजना के तहत कौन कौन सी मुख्य सुविधा आपको मिलेगी। दरअसल योजना के तहत चिकित्सा परीक्षा, उपचार और परामर्श, पूर्व अस्पताल में भर्ती, चिकित्सा और चिकित्सा उपभोग वस्तुएं, गैर गहन और गहन देखभाल सेवाएं, नैदानिक और प्रयोगशाला जांच, इसके अलावा चिकित्सा प्रत्यारोपण सेवाएं, आवास लाभ की सुविधा इस दौरान आपको मिलेगी। साथ ही भोजन सेवाएं भी इसमें शामिल है। वहीं उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली कॉम्प्लिकेशन का भी ट्रीटमेंट, अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिन तक पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फॉलोअप और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर अप, ये सब सुविधाएं मुख्य रूप से मुहैया कराई जाती है। यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी बताते चले,
दरअसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक और अहम फैसला लिया गया है। इसके अंतर्गत यदि परिवार के किसी सदस्य के पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड है तो परिवार के अन्य सदस्य भी कोरोना वायरस संक्रमण का निःशुल्क इलाज भी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने की यदि स्थिति आती है तो जिले के कलेक्टर द्वारा आयुष्मान कार्ड बनवाने की व्यवस्था भी की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए आयुष्मान भारत पैकेज की दरों को 40% बढ़ा दिया गया है, जिसमें रूम रेंट, भोजन, परामर्श शुल्क, जांचें, पैरामेडिकल शुल्क आदि शामिल है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो सबसे पहले प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत आवेदन करने के लिए जन सेवा केंद्र में जाए और अपनी सभी मूल दस्तावेज को जमा कर दे। इसके बाद जन सेवा केंद्र के एजेंट द्वारा सभी दस्तावेजों का सत्यापन करके योजना के तहत पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे और आपको पंजीकरण प्रदान करेंगे। इसके बाद 10 से 15 दिन के बाद आपको जन सेवा केंद्र के मुख्य द्वार से आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड मिल जाएगा और इस कार्ड के मिलने के बाद आपका पंजीकरण सफल हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इस योजना से जुड़े ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर खोलना होगा। अब आपको सर्च बॉक्स में आयुष्मान भारत लिखकर एंटर करना होगा। अब आपके सामने एक सूची खुलकर आएगी। सूची में से आपको सबसे ऊपर वाले ऐप पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे, आयुष्मान भारत ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। वहीं अधिकारियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया भी चलिए समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आ जाएगा। होम पेज पर आपको मेन्यू बार के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको हुज और हु के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और आगे की जानकारी ले सकते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आपको पूरी जानकारी मुहैया कराई है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अगर आपको इस योजना का लाभ उठाते वक्त किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट सेशन के जरिए बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानियों का हल जरूर निकाल सके। फिलहाल ये योजना आपके हेल्थ से जुड़ी हुई है तो हम चाहते हैं कि आप इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे जनहित प्रोग्राम को जरूर देखते रहें, क्योंकि जनहित प्रोग्राम में हम सारे वो एपिसोड्स लेकर के आते हैं जो आपके लिए सरकार द्वारा योजना लाई जाती है। तो अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरीके से जनहित के अगले अध्याय में फिर अगले संडे को हम मिलेंगे और उस दौरान फिर एक नई योजना लेकर के मैं आपके साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।